अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, इट्स मी हैदर अली और आप देख रहे हैं MTH हैदर यूट्यूब चैनल। तो जनाब आज की वीडियो है सिरा जो लाइसेंस है उसका जो फिटनेस टेस्ट होता है 2022 के अंदर उसके बारे में अपडेट्स दूंगा। और मेन सिरा लाइसेंस जिनको भी जरूरत होती है, बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं यूट्यूब के ऊपर के फिटनेस टेस्ट में क्या होता है कैसे होता है, तो उसके लिए कंप्लीट मैं आपको गाइडलाइन दूंगा कि फिटनेस टेस्ट जो 2022 के अंदर होता है सिरा लाइसेंस लेने के लिए उसमें क्या क्या होता है और वो कैसे होता है। वैसे तो लोग बताते हैं कि बीप टेस्ट होता है, रनिंग करनी होती है, लेकिन आज उसको मैं आपको कंप्लीट गाइड दूंगा कि जो उसके लेवल्स होते हैं वो कितने होते हैं, उसमें राउंड्स कितने होते हैं, जंप कितना होता है, पुशिंग क्या होती है, पुलिंग क्या होती है, कंप्लीट गाइडलाइंस है सिर्फ और सिर्फ फिटनेस जो टेस्ट है उसके बारे में, ठीक है। इसके अलावा बाकी और भी सवाल सारे हैं वो उनके भी जवाब आपको देंगे, लेकिन अभी आते हैं बात फिटनेस टेस्ट के बारे में। तो सिरा का जो लाइसेंस होता है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है आपका फिटनेस जो है ना, वो बंदा फिट होना चाहिए उसके अंदर। जो सबसे इंपॉर्टेंट है फिटनेस के अंदर वो आगे से आ जाती है रनिंग, इसको बोला जाता है बीप टेस्ट। रनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। रनिंग के जो एक फॉर्मेट मैंने बनाया, एनिमेशन आपके पास अभी आपको इस कुछ टाइम के बाद मैं दिखाऊंगा, तो उसके अंदर कंप्लीट डिटेल मैंने बताई है कि कितने सेकंड का राउंड वन है, कितने का राउंड टू है, कितने का राउंड थ्री है, ठीक है। तो वो मैंने सारा बनाया सिर्फ बीप टेस्ट के लिए, ठीक है। वो भी आप ये एनिमेशन देखो, ठीक है। एनिमेशन के बाद मैं आपको फिर डिटेल से दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। अभी आप ये एनिमेशन देखो, ठीक है। आपने ये वीडियो क्लिप देखा, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला जो एनिमेशन था वो समझ आया होगा, ठीक है। लेकिन मजीद में फिर आपको समझा देता हूँ कि टोटल जो डिस्टेंस है रनिंग के लिए, जो सबसे पहला स्टेप है फिटनेस के अंदर, वो आपने रनिंग करनी होती है, ठीक है। रनिंग के लिए डिस्टेंस है 20 मीटर्स, 20 मीटर्स के लिए आपने भागना है। और जो उसका लेवल वन है, जो ऊपर एक कंप्यूटर माइक होता है, वो स्पीकर से वो बोलते हैं लेवल वन, जब वो स्टार्ट होता है तो आपने उसके लेवल वन के अंदर 8 राउंड होते हैं। जब एक दफा जाओगे एक राउंड, वापस आओगे सेकंड राउंड, यानी कि 20 मीटर आपने जाना है, आना है, जाना है, आना है, 8 दफा जाओगे आपका एक लेवल कंप्लीट हो जाएगा। लेवल वन के अंदर होंगे टोटल 9 सेकंड्स। ये आपने जो मैंने अभी एनिमेशन लास्ट दिखाया आपको, आप उसको सेव भी कर सकते हो क्लिप छोटा सा बना के, सेकंड आप उसके काउंट कर सकते हो, ठीक है। 9 सेकंड्स है इस तरह के, साथ ही वो इसमें ब्रेक नहीं है, ठीक है। साथ ही आ जाएगा लेवल टू, जब रेडियो पे ऊपर सॉरी स्पीकर में जब बोला जाएगा, तो साथ ही लेवल टू का उसके अंदर होंगे 8 सेकंड्स। उसमें आपको थोड़ा सा स्लो भागना, यानी कि जो लेवल वन टू है उसमें थोड़ा थोड़ा स्लो भागना है, नॉर्मल, इतना तेज नहीं भागना आपने, ठीक है। फिर उसके बीच जब 8 राउंड पूरे करोगे फिर आ जाएगा लेवल थ्री, उसके अंदर 1 सेकंड और कम हो जाएगा, यानी कि 9, 8, 7। अभी लेवल थ्री के अंदर आपके 7 सेकंड्स होंगे, इसके जब आप 8 राउंड लगाओगे तो फिर आपका लेवल होगा स्टार्ट लेवल फोर। लेवल फोर के अंदर होते हैं वो 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 6 सेकंड्स, ठीक है। 6 सेकंड्स होते हैं, लेकिन उस टाइम पे बंदा टोटली थक चुका होता है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं है उस वक्त आपकी टांगे बहुत ज्यादा मींस के गड़बड़ कर सकती है, ठीक है। इसलिए आपको पहले स्लो भागना है, एंड पे थोड़ा तेज भाग रहे हैं, ठीक है, ताकि आप राउंड फोर को क्वालिफाई कर सको। और मोस्टली ये होता है, मैंने अभी तक एक दफा तीन दफा मैं फिटनेस दिया है, तो एक दफा ये था कि 32 राउंड कंप्लीट थे, नहीं तो राउंड फोर जब आता है उसके 2 या 3 राउंड लगा के वो कहते हैं बस। अभी लास्ट हुआ उसने भी राउंड 3 लगवाए, मतलब 3 राउंड लगे गए आए गए तो उन्होंने वो खत्म कर दिया, क्योंकि टोटल 32 में से वो 26-27 लगवा के उन्होंने वो हमें ब्रेक लगा दी, ठीक है। ये होता है, रनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो उसमें ध्यान से लगानी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है जंप वाला। रनिंग जब कर चुके आपको 5 मिनट का गैप मिलता है, मैक्सिमम 5 मिनट, मिनिमम हो सकता है 2 से 3 मिनट का गैप मिलता है। रेस्ट करते हो, टांगे फ्रेश करते हो, आप टांगे शांगे सीधी करते हो, फिर आ जाए जंप की बारी। जंप है 1.6 मीटर्स, इसको आप फीट में कन्वर्ट कर लो, लाइन लगा लो, मार्जिन, ठीक है। इसमें रनिंग करके जंप नहीं करना, एक जगह आपको बोलेंगे अपने पांव टांगे और पांव जोड़कर खड़े हो और फिर आप जंप करो।
ठीक है, आपने फिर जंप करना है और वो 1.6 मीटर है वो आपने क्रॉस करना है, और लाइंस के लाइन के ऊपर आना चाहिए नेक्स्ट वाला जो है 1.6, ठीक है। वो जब आप क्रॉस कर जाओगे उसमें आपको थोड़ा होता है, थोड़ी रेस्ट मिल जाती है। रनिंग में भी आपको वो देते हैं टाइम के, एक दो दफा अगर आप डिले हो, बीप से पहले पहुंचे हो, लाइन क्रॉस नहीं की, वो बोलते हैं भाई अभी जल्दी करो, तेज भागो। लेकिन अगर आप वो तीन चार दफा चांस खत्म कर दें वो आपको फेल कर देते हैं, ठीक है। और इसी तरह होता है जंप के अंदर भी। और फिर आ जाती है पुशिंग की बारी, ठीक है। रनिंग थी 20 मीटर, तो पुशिंग एंड पुलिंग होती है इसके अंदर सेरा फिटनेस के अंदर। तो इसके अंदर 2022 के अंदर क्या अपडेट आया है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पुशिंग है अभी। पहले बिफोर 2021 तक था कि आप 30 kg वेट्स होता है, एक मशीन टाइप होती है, अभी मैं स्क्रीन पे वो है तो नहीं पिक्चर, उसकी वेट होता है 30 kg की, दो प्लेट्स होती हैं, वो अपने 10 मीटर्स, ठीक है, 10 मीटर होता है जिसको आपने 4 सेकंड के अंदर अंदर आपने लेके जाना है, पुश करके लेके जाना है, ठीक है। वो मोबाइल के ऊपर टाइम देखते हैं कि 4 सेकंड आपके पास और आपने जल्दी जल्दी इसको पुश करके लेके जाना है 10 मीटर्स, ठीक है। 10 मीटर को आप कन्वर्ट कर सकते हो फीट में कितना बनता है, उस वो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। वो आप ले जाओगे, फिर पहले क्या होता था कि वहां से उसको पुल बैक करना होता था। जब पुल बैक करते थे तो हम लोग थके होते थे रनिंग की वजह से, तो इसलिए लोग गिरते थे। लेकिन अभी क्या हो गया 2022 के अंदर कि अभी वो पुल नहीं है, सिर्फ पुश है। आगे जाके 10 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद दोबारा से आप उसको रोटेट करते हो और दोबारा आपने आप उसको पुशिंग करना है, ठीक है। तो वो आपका 10 मीटर का वो इजीली हो जाता है। उसके बाद आपका फिटनेस टेस्ट, अगर आप ये सारे स्टेप क्लियर करते हो तो आपका फिटनेस टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो मैंने आपको ये बताना था कि फिटनेस टेस्ट कैसे होता है, इसके लिए मैंने स्पेशल आपके लिए ये एनिमेशन तैयार किया था। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, आप उस एनिमेशन को सेव भी कर सकते हो। उसके अलावा जो सिरा की जो दूसरी है सॉरी रिटन टेस्ट है, तो उसकी एक पीडीएफ फाइल है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वो कर सकते हो। उसके अलावा मेरे पास एक जो सिरा की बुक होती है उसकी कंप्लीट पीडीएफ फाइल भी है, ठीक है। वो भी जिसको चाहिए, और व्हाट्सएप नंबर मेंशन होता है वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में भी, व्हाट्सएप पे मैसेज करता है। कंप्लीट बुक की मैंने एक पीडीएफ बनाई है, तैयार की है सिर्फ आप लोगों के लिए, तो वो भी आपको चाहिए हो तो वो आप उसे ले सकते हैं। पब्लिश नहीं कर रहा यहाँ पे क्योंकि अभी तक मैं इसके लिए आई थिंक परमिशन लेनी पड़ेगी, मुझे कॉपीराइट मींस के जो होता है वो ओनर होता है, ये सिरा वाले खुद हैं, अभी तक मेरी परमिशन उनसे परमिशन नहीं है कि मैं इसको पब्लिकली यहाँ पे यूट्यूब पे दिखा सकूँ या फाइल अटैच कर सकूँ, तो वो पर्सनली व्हाट्सएप पे ही सेंड कर सकता हूँ, ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो, ठीक है। आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करें, और जो भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे आपके पास पहले से आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इस वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।